अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 22 फरवरी 1974 को पाकिस्तानी शहर लाहौर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन या तंजीम तआवुन इस्लामी का सरबराही इजलास हुआ, जो कि कुरा अर्ज़ पर मुस्लिम ममालिक की सबसे बड़ी तंजीम थी। ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के अरूज का दौर था। लाहौर इनका किला था, जहाँ से तमाम नशस्तें या गुज़िश्ता इंतखाबात में जीत कर वो क्लीन स्वीप कर चुके थे। भुट्टो साहब खुद को ना सिर्फ पाकिस्तान और आलम इस्लाम बल्कि तीसरी दुनिया के एक रहनुमा के तौर पर देखते थे। स्टैनले वॉलपर्ट अपनी किताब जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में लिखती हैं कि उनका इरादा 1977 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में तीसरी दुनिया की कॉन्फ्रेंस करवाने का था। यूँ वो पाकिस्तान को भारत के गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक में कलीदी किरदार के मुकाबले पर लाना चाहते थे। शहर में जश्न का समा था, आलमी सियासत के बड़े नाम यहाँ इकट्ठे हो रहे थे, मगर ये लीडरान नहीं जानते थे कि उनका मुस्तकबिल किस कदर खौफनाक होने जा रहा था। अगले चंद सालों में दुनिया भर में टीवी स्क्रीन्स और अखबारी सुर्खियाँ उनके बेमाना कत्ल की खबरों से भरी जाने वाली थीं, क्योंकि आलमी इस्तेमार जिसे 1974 की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस ने अपने तराने हम मुस्तवी में इस्तेमार बातिल अर्ज़ल कह कर ललकारा था, इन सरबराहों को निशाने अबरत बनाने पर तुला था। दोस्तों, शुरुआत सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल से हुई। सऊदी अरब OIC का बानी भी था और शाह फैसल बहुत तेज़ी से अपने मुल्क में ना सिर्फ समाजी जिद्दत ला रहे थे, बल्कि उन्होंने 1973 की अरब इसराइल जंग के दौरान तेल की पैदावार रोक कर मगरबी दुनिया को यह पैगाम भी दे दिया था कि बेशक आले सऊद हिजाज़ में फैले अंग्रेज़ की मरहूने मिन्नत इकतदार में आई हो, लेकिन शाह फैसल आज़ादाना फैसले लेने के बिल्कुल अहल थे। लिहाजा 25 मार्च 1975 को इस इजलास को गुजरे जब मुश्किल एक साल ही हुआ था, शाह फैसल कुवैत से आए एक वफद से मुलाकात कर रहे थे, जिसमें उनके सौतेले भाई मसाद बिन अब्दुल अज़ीज़ का बेटा फैसल बिन मसाद भी था। मसाद बिन अब्दुल अज़ीज़ का एक और बेटा शहज़ादा खालिद बिन मसाद चंद बरस कबल शाह फैसल के ख़िलाफ़ एक एहतजाज का हिस्सा था कि जहां पुलिस की गोली लगने से ये जान से हाथ धो बैठा। फैसल बिन मसाद उस वक्त अमेरिका में मुकीम था, लेकिन उस रोज़ ये कुवैती वफद की हमरा शाह फैसल के महल में पहुंचा। शाह फैसल ने उसको पहचान लिया और अपना माथा उसके आगे किया ताकि ये उसको चूम सके, लेकिन उसने यका यक अपनी जेब से पिस्तौल निकाल कर गोली चला दी। एक गोली शाह फैसल की ठोड़ी पर लगी, जबकि दूसरी उनके कान के आर पार हो गई। उन्हें हस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सके। फैसल बिन मसाद ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और उसका सर 18 जून 1975 को कलम कर दिया गया। शाह फैसल के इस बेहमाना कत्ल के महज 5 माह बाद बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान को भी कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल उनकी फ़ौज की जानिब से किया गया, जिसने साथ ही इकतदार पर कब्ज़ा भी कर लिया। शेख मुजीब ने 1974 में बांग्लादेश की इस तंजीम में शमूलियत की दरख्वास्त दी थी और ये उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लाहौर भी आए। उनके इस दौरे से ना सिर्फ दोनों ममालिक में कदरतें कम हुई, बल्कि बांग्लादेश की OIC में शमूलियत का ऐलान भी यहीं हुआ। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में मार्शल ला लगा तो कुछ फ़ौजी जवानों ने सदारती हाउस में घुसकर शेख मुजीब और उनके पूरे ख़ानदान को मौत के घाट उतार दिया। शेख हसीना वाजिद और उनकी बहन शेख रियाना ख़ानदान की दो ही अफराद थीं जो ज़िंदा बच सकें, क्योंकि ये उस वक्त जर्मनी में थीं। ये साजिश फ़ौजी अफसरान और अवामी लीग में शेख मुजीब के कुछ साथियों ने मिलकर रचाई थी। बहुत सी अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि ये कत्ल अमरीका की CIA ने करवाया था। दोस्तों, याद रहे कि जनरल ज़ियाउर्रहमान जिसने ये मार्शल ला लगाया, उसी ने बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान भी किया था और बाद अज़ां शेख मुजीब को कत्ल करके मुल्क के इकतदार पर उसने कब्ज़ा भी कर लिया। इस कॉन्फ्रेंस को यकीनी बनाने में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल था। इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने अपनी सफारती काबिलियत के ऐसे जौहर दिखाए कि पहली बार इस्लामी दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के सरबराह एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो गए। 1971 की जंग में भारत की हाथों शिकस्त और बांग्लादेश की अलहदगी के बाद उस वक्त पाकिस्तान अक़वाम-ए-आलम में
अपना मकाम दोबारा बनाने की तगोदौ में मसरूफ़ था। ऐसे हालात में ये भुट्टो साहब की हुकूमत का अजीम कारनामा था कि उन्होंने पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया भर की नज़रों का मरकज़ बना दिया। इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान की आलमी तन्हाई को भी ख़त्म किया। इस कॉन्फ्रेंस के बाद वो चाहते थे कि पाकिस्तान पूरी तीसरी दुनिया का रहनुमा मुल्क बनकर उभरे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1977 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीखी कामयाबी हासिल की, लेकिन उनके मुखालिफ नौजमातों के इतिहाद ने दावा किया कि ये इलेक्शन धांधली ज़्यादा थे और 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने उनकी हकूमत का तख्ता उलट दिया, जिसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पर मोहम्मद अली कसूरी के कत्ल का मुकदमा चलाया गया और अदालत उज़्मा ने उन्हें हैरत अंगेज़ तौर पर 3-4 के फैसले में सजाए मौत सुना दी। दोस्तों, 4 अप्रैल 1979 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। सजाए मौत देने वाले 4 जजेस में से एक जस्टिस नसीम हसन शाह ने कई बरस बाद ये एतराफ़ किया कि इस सजाए मौत को कम किया जा सकता था। मिस्र के सदर अनवर सादात भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे और उनको भी बाद अजां इस्लामिक जहाद से तल्लक रखने वाले खालिद इस्लाम्बोली ने कत्ल किया। गो कि जामिया इस्लामिया के तल्लत कासिम का दावा था कि ये कत्ल इस्लामिक जहाद ने नहीं बल्कि उनकी अपनी तंजीम ने किया था। खालिद इस्लाम्बोली ने अनवर सादात को उस वक्त कत्ल किया जब वो एनुअल डे पर फ़ौज की परेड का मुशाहिदा कर रहे थे। इस्लाम्बोली खुद भी मिस्री फ़ौज का एक लेफ्टिनेंट था। दोस्तों, अनवर सादात के कत्ल का फतवा एक नाबीना मौलवी उमर अब्दुलरहमान ने दिया था, जो कि ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा अमेरिका में गुजार कर 18 फरवरी 2017 को शुमाली कैरोलिना में फौत हुआ। यासिर अरफात फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह थे। 1974 में लाहौर में हुई कॉन्फ्रेंस में ये भी शरीक थे। इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों की मुज़ाहमत में अहम तरीन करदार के हामिल यासिर अरफात को 2004 में मुबैना तौर पर इसराइली इंटेलिजेंस की जानिब से जहर दिया गया। गो मौत के सबब पर खासी बहस रही, लेकिन गालिब थ्योरी यही है कि उनके खून में HIV के जरसूमे पाए ज़रूर गए थे, लेकिन उनकी मौत जहर के बायस हुई। दोस्तों, मुअम्मर कज़ाफ़ी इसी कॉन्फ्रेंस के शुरका में से कत्ल होने वाले आखिरी मुस्लिम दुनिया के रहनुमा थे। 20 अक्टूबर 2011 को लीबिया के सदर कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी, जिन्होंने सितंबर 1969 में एक कोप के ज़रिए इक्तदार पर कब्ज़ा किया था, बागियों को एक ड्रेन पाइप में छुपे मिले, जहां ये नेटो की बमबारी से बचने के लिए पनाह लिए हुए थे। लीबिया की खाना जंगी, जिसमें मुअम्मर कज़ाफ़ी के मुखालफीन को अमेरिका और नेटो की पुश्त पनाही हासिल थी, दारुल हकूमत त्रिपोली पर कब्ज़ा कर चुके थे और मुअम्मर कज़ाफ़ी इसके बाद सरत में पनाह गजीन थे। उस दिन भी वो वादी जरफ की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे जब नेटो ने उनके काफ़िले पर बमबारी की। इससे बचने के लिए वो पाइप में छुपे थे और इस बमबारी के दौरान उनके सर पर चोटें भी आ चुकी थीं। तकरीबन मुर्दा हालत में बागियों को मिलने के बाद कज़ाफ़ी को हजूम ने कत्ल कर दिया और उनकी लाश को सड़कों पर घसीटा गया। दोस्तों, लीबिया उनके कत्ल के बाद खाना जंगी से आज तक छुटकारा पाने के काबिल नहीं हुआ और आज भी गैर मुस्तकम है। दोस्तों, मुल्क के बेशतर इलाकों पर फ़ौज काबिज़ है और बाकी बचे खुचे इलाकों पर मजहबी शिद्दत पसंदों का कब्ज़ा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकान को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।